सो हे गाइस वेलकम बैक रैंडम ब्लू शो के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत करते हैं। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने फाइनली जो काउ बान है हमारा कस्टमाइज काउ बान उसको अपडेट कर दिया है। हमने सोचा था कि भैया ग्राउंड फ्लोर में सब करेंगे बट वो बहुत लंबा हो रहा था, हमको एक कॉम्पैक्ट चाहिए जिसमें ज्यादा काउ आ सके और ज्यादा मिल्क निकाल सके, तो हमने एक और फ्लोर डिजाइन किया। उससे पहले हमने टेस्टिंग कर लिया था कि काउ क्या फर्स्ट फ्लोर तक जा सकती है, तो यस वो जा सकती है। सो उस हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया है। आज हमको काउ लेने जाना है, इसकी कलरिंग भी करनी है और मिल्क निकालने वाली जो से उसको बिलाना है, तो देयर इज लॉट ऑफ वर्क जो आज हम करने वाले हैं। सो लेट्स गेट इनटू द गेम प्ले और आरके के बारे में गेम में खेलते-खेलते बताएंगे। ऑलराइट गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने रैंच में, जहां हमने छोड़ा था हम वहीं पर ही आ चुके हैं। तो अभी टाइम तो उतना कुछ खास बचा नहीं है, बट द थिंग इज दैट भाई आपको एक बार समझा देता हूं जो नया आया है इस गेम को देखने के लिए। मैं आपको बता दूं, देखो अभी का टाइम पे हमारा जो काउ फार्म है वो सिर्फ और सिर्फ नीचे तक था, यहां तक मतलब सिर्फ और सिर्फ काउ यही रहती थी और पीछे साइड रहती थी, बट हमने इसको अपडेट कर दिया। बट एक चीज हां मैं बोलना चाहूंगा आपको कि इतने सारे काउ तो एक ग्रेनरी से नहीं होगा, तो मेरे को एक और ग्रेनरी बनानी है। हालांकि पानी का समस्या नहीं होगा क्योंकि पानी के लिए हमारे पास सब कुछ सुविधा है। और कोई बोल रहा था कि आपका पूरा रेंज गंदा पड़ा हुआ है, वेल गाइस ये जो मेटल दिख रहा है ना आपको, ये यही सिर्फ पड़ा हुआ है और कुछ नहीं पड़ा हुआ, बाकी सब साफ सुथरा है। तो ये जो मेटल पड़े हुए ये एक्चुअल में जो लाइट्स में लगाने वाला हो तो उसमें यूज हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको बार बार मैं अपने हार्डवेयर स्टोर में नहीं रख रहा हूं, इसको डायरेक्ट यही से एक्सिस के हिसाब से मैंने यहां पे रखा हुआ है। और कुछ चीजें ऐसा रखना भी जरूरी क्योंकि आपको एक्सिस के लिए वो ज्यादा बहुत हेल्पफुल होता है, तो इस कारण से मैंने उसको रखा है। एंड उधर का तो खाना चेक कर लिया क्योंकि मेरा पहला प्रायोरिटी यही होता है जब भी मैं गेम स्टार्ट करता हूं कि खाना एक बार चेक कर लेता हूं, क्योंकि खाना यहां पर जीरो हो चुका, मैंने बोला था ना। एक्चुअल में क्या है, यहां पे सूअर की तादाद बहुत तेजी से ग्रो हो चुकी है, बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही है। एंड द थिंग इज दैट कि बस मैंने एक फीडर लगाया बट ये फीडर में अभी तक खाना यहां से जा रहा है। चलो नाइस, मतलब एक समय में ओके एक फीडर पूरा यूज हो जाता है तो फिर दूसरा फीडर भी वर्क करना स्टार्ट कर देता है। एंड थिंग इज दैट कि यहां पे पिग्स बहुत सारे हो चुके हैं व्हिच नीड्स टू बी किल्ड, क्योंकि अब इनकी तादाद ज्यादा नहीं करनी है। सबसे पहले मेल्स को दरकिनार करना है क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट है नहीं ज्यादा, क्योंकि ये बस एक लिमिट तक बढ़ते उसके बाद इनका कोई काम नहीं है क्योंकि ये बच्चे करेंगे नहीं। सो फिनिश करना जरूरी है। लेट मी चेक, और है क्या कहीं मेल और दिख रहे क्या, ये फीमेल फीमेल फीमेल, आई थिंक ये एक मेल है, फीमेल है, इट्स अ मेल। चलो इसको भी खत्म करो, और मेरे को ये मीट है ना गेट से थोड़ा दूर रखना क्योंकि ये लोग ग्लिच खा के बाहर चले जाते जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। तो थोड़े से अपन क्या करते हैं मीट्स को यहाँ रख देते हैं। ओके इस रात हो गई है तो नो इशू, अपन जाके सो लेंगे। इसमें से कोई और मेल है कि नहीं है, अरे मेल है कि नहीं है, ये एक मेल दिख रहा है मेरे को, तो इसको भी खत्म करो। अरे यार इसको है ना पता बाउंड्री से साइड करना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो फिर अगेन जैसे मैंने पहले बताया ग्लिच खा के पूरे सुअर बाहर। एक मिनट ये भी शायद मेल ही है, चल भाई दूर कहां दौड़ रहा भाई, मेरे निशाने से कहां जाएगा तू। एंड यहां पे फीमेल है, फीमेल है, ये मेल है, इसको भी खत्म करो, बहुत बढ़ चुका है ये भी। चलो ये भी खत्म, थोड़ी सी क्या कंट्रोलिंग करके रखनी पड़ेगी जगह की, नहीं तो दिक्कत हो जाए। बट ये बहुत सेटिस्फाइंग है, पता नहीं क्यों यार इनको बस सुअरों को, बाकी किसी का नहीं पता, सुअरों को मारने में इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, एक तो इनका शक्ल और ऊपर से इनकी बॉडी, भाई क्या कैसी है भाई। चलो गाइस इनका तो काम तमाम हो गया, अभी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे सॉर्टेड है। एंड ये जो पिक्स के मीट का जो बॉक्सेस है इसको भी मेरे को रखना है गाड़ी में, तो अभी तो अपन इस पे नहीं, अभी तो अपन सबसे पहले फोकस करते हैं अपना मेन काम पे, वो है काउ वाले फार्म को अपडेट कर देते फटाफट से। हमारे सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप प्लीज इतना खाली खाली मत रखो, इसको थोड़ा अच्छा करो। तो गाइस यहाँ पे बहुत कुछ आने वाला है, ऐसा मैं घोड़े का स्टैंड बनाने वाला हूँ, इतना अच्छा बनाने वाला हूँ, ओपन विद लग्जरी, ये दोनों चीज होंगे उसमें। थोड़े दिनों बाद करने वाले उसको, बट अभी रात हो चुकी है तो सबसे पहले जाके सोते हैं, सुबह उठते हैं एंड फटाफट से जाते हैं एंड कुछ पेंट्स लेकर आते हैं, क्योंकि पहले मेरे को पेंट्स का थोड़ा देखना पड़ेगा कि इतने बचे मेरे पास। ऑलराइट गाइस गुड मॉर्निंग हो चुके, वाह यार रैंच में जब सुबह होती है और इतनी अच्छी धूप रहती है ना भाई, एकदम गेम खेलने का मजा ही आ जाता है, एकदम आनंद आ जाता है। एंड मेरे को पहले ले जाना है अपनी बग्गी को, सबसे पहले कल एक मिनट बग्गी मैंने यहाँ रखी थी कि कहाँ रखी थी। ऑलराइट गाइस मेरे को अपनी बग्गी मिल गई है, अब सबसे पहले मैं देखता हूँ भाई कि कलर की क्या कमी है। ऑरेंज दो डब्बे पड़े हैं, ब्लैक पड़े हैं, व्हाइट बिल्कुल नहीं पड़े, बट ब्लैक ऑरेंज एंड व्हाइट तीन कलर मेरे को फटाफट से जाके लेकर आना है। काफी दिन बाद मैं जा रहा हूँ हार्डवेयर स्टोर, बेसिकली मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बाकी चीजें मेरे घर पे ही मैंने स्टोर करके रखी हुई है, तो मुझे जाना नहीं पड़ता। कभी कभार जरूरत पड़ी जैसे पेंट हो गया जो कि मैं घर पे रख नहीं सकता, तो उसमें से व्हाइट ज्यादा यूज हो जाता है, तो चलो व्हाइट्स को लेकर आते हैं, ब्लैक्स को लेकर आते हैं एंड ऑरेंज को लेकर आते हैं, तीनों कलर की यूज होगा अभी मेरे को अपने काउ फार्म के लिए। ऑलराइट गाइस हम लोग आ चुके अपने हार्डवेयर स्टोर, बट मैं गाड़ी बाहर क्यों लगा रहा हूँ, एक तो ये लॉन रिमूवर मेरा अभी भी यही रखा हुआ है, एक तो नाम कैसा है लॉन रिमूवर। चलो मेरे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड कलर्स है तो इसको अपन अपलोड कर देते हैं, फटाफट से परचेस करते हैं। मेरे को बहुत सारी चाहिए व्हाइट्स, लिटरली बहुत सारी चाहिए व्हाइट्स एंड मेरे को व्हाइट बहुत पसंद है, तो मैंने अपने जो पूरा फार्म है उसका थीम मैंने सेम ही रखा है,
मैं सोचा था पहले कि डिफर डिफर करूं, बट वो लुक वाइज बहुत ही गंदा लग रहा था। सो आई थॉट इट्स बेटर कि हम सिंगल कलर रखें, तो अब हम सिंगल कलर ही रखेंगे। सिंगल कलर मीन्स आई मीन टू से मेरे पास जो कलर्स है वही कॉम्बिनेशन में मल्टीपल टाइप यूज करता रहता हूं, तो वैसे कुछ फंडा है। तो चलो ये भी हो चुका है, एंड थोड़े से अब ब्लैक को अपलोड करते हैं, एंड ब्लैक्स चाहिए हमको। ब्लैक्स का कलरिंग का नंबर है 00000000। अच्छा ये सही है यार। और हाँ, गेम का अपडेट आर का थोड़ी देर से बताता हूं, अभी थोड़ा सा काम कर ले उसके बाद करते हैं, अभी जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करेंगे। चलो स्टैक तो हो जाएंगे, बट मैं कलर्स को थोड़ा सा एक काम करते ना, व्हाइट में इधर रखता हूँ, ठीक है, ब्लैक इधर रखते जिससे कि पता रहे कि क्या क्या डब्बा किधर है, और ये डायरेक्ट में ले जाऊंगा अपने फार्म, मतलब अपना जो काऊ वाला मिल्किंग वाला एरिया ना, वहीं पे जाके अपन सारे के सारे रख देंगे और एक लाइन से अपन यूज करना स्टार्ट कर देंगे, जो बचेगा फिर अपन अपने हार्डवेयर स्टोर में पुट अप कर देंगे। ऑलराइट गाइस, अपन ने बायफिकेशन वे में अपन ने सारे के सारे कलर रख दिए, व्हाइट एक तरफ, ऑरेंज बीच में, एंड ब्लैक एकदम कॉर्नर पे, क्योंकि वहाँ जाके हमको इजी होगा पेंट करने में। पेंट फटाफट करते भाई, मेरे को फिर गायों को लेने जाना है। अब वो देखना है कि गाय बस ऊपर चढ़ जाए, नहीं है तो फिर तो मेरे पास एक खतरनाक ऑप्शन है, वो भी मैं ट्राई करने वाला हूँ अगर सीढ़ियों से नहीं गए। हालांकि मैं ऑलरेडी इसको एक बार एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, तो उसमें तो हो रहा था, बट अब देखते हैं कि क्या अभी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और एक और चीज़ मेरे को लगाना है, रैंप, जो कि मैंने अभी तक लगाया नहीं, जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो रही है वो रैंप वाला एरिया में लगाने का वाला हूँ। अबे तेल खत्म हो गया गाइस, गाइस तेल खत्म, पहली बार मैंने तेल नहीं देखा गाइस। चलो कोई नहीं, फटाफट चलते घर के पास में, तेल खत्म हुआ एटलीस्ट, नहीं तो पता है हार्डवेयर स्टोर पे खत्म हो जाता ना, फिर दिक्कत पड़ जाती। पहले मैं सोच रहा हूँ कि अपन पहले कर लेते हैं कलरिंग वाला काम, उसके बाद किसी चीज़ पे वाह सा वाह वाह वाह, मेरे को इसको यहाँ पे लगाना था, दैट्स इट। चल भाई फाइनली हम गाड़ी स्टार्ट करके जा सकते हैं। गेट का सिस्टम किया ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो क्या नीचे रहते वो लोग। ओके गाइस, एक 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 काम और बचा है, मैंने लास्ट एपिसोड में ध्यान नहीं दिया, बट मेरे को ये करना पड़ेगा। सो यहाँ पे एक गेट मेरे को लगाना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी। ऑलराइट गाइस, फाइनली मैंने ये एक एक्स्ट्रा काम जो बचा हुआ था वो मैंने कर दिया। यार मैं प्लैंक कल रख के आ गया यार। चलो कोई नहीं, फिलहाल तो अभी एक काम करते हैं, पेंट पे फोकस करते हैं। द थिंग इज दैट कि मेरे को चाहिए व्हाइट कलर, तो व्हाइट कलर फटाफट से उठाते हैं, कहा गया व्हाइट कलर, जितनी रिक्वायरमेंट है वो सबको अपन व्हाइट कर देते हैं। चलो ये व्हाइट, ओके ये व्हाइट रहेगा, नीचे ये व्हाइट, तो ये व्हाइट कर देते हैं। चलो हाँ, व्हाइट थोड़ा ज्यादा है आई नो, बट ठीक है, अच्छा लगेगा। बट यहाँ पे अपन है ना दूसरा कलर भी कर सकते हैं यार, ब्लैक कर दे क्या, ज्यादा व्हाइट व्हाइट हो रहा है। चलो व्हाइट की जगह ब्लैक कर देते हैं, लुक वाइज बहुत अच्छा आ रहा है गाइस, बहुत सही कलर आ रहा है यार। बाहर से भी ब्लैक बचा है, तो इसको भी कर दो ब्लैक। तो चलो गाइस, ये वाला पार्ट तो हो गया, एंड यहाँ पे भी ओके, यहाँ पे एक ब्लैक। मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको है ना बाद में जाके एक, बट इसका सपोर्ट नहीं है, अब पता नहीं, इसको तोड़ा और ऊपर वाला पूरा टूट गया ना, तो मेरा नुकसान हो जाएगा गाइस। गेट्स आर ब्लैक, यस गेट्स आर ब्लैक, तो मैं गेट को ब्लैक कर देता हूँ, वही गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो अपन फिक्स कर देंगे इसको। ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक। भाई फर्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ जिसमें डबल फ्लोर यूज हो रहा है और जानवर रख रहा हूँ एक्चुअल में, मतलब मैं काउस को रख रहा हूँ। ये मैंने इतना एक्सपेरिमेंट कभी सोचा नहीं था, जो आज फर्स्ट टाइम मैं इतना कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अरे यहाँ पे तो गेट होता तो ज्यादा अच्छा, चलो कोई नहीं, गेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं ऑरेंज ही करूंगा। तो चलो ऊपर चलते हैं, इसको ऑरेंज ऑरेंज, यस ऑरेंज ही करना है, क्योंकि उधर भी ऑरेंज है, कलर सिमिलैरिटी बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत ही गंदा दिखेगा। तो आई थॉट इधर ऑरेंज सही है, इधर ऑरेंज सही है, तो इधर भी ऑरेंज, एंड बाकी इधर कर देंगे। एक मिनट, ब्लैक कलर का नीचे रख दिया क्या मैंने, रुक जाओ गाइस, पता है यहाँ पे यही दिक्कत होगा मेरे को, ऐसा क्यों लग रहा है, बट ठीक है, काउस को यहाँ लेकर आना है, यहाँ से यहाँ, ठीक है हो जाएगा। चलो काला इधर कर देते, काला इधर कर देते, एंड ये वाला पार्ट भी काला है, तो ये वाला पार्ट भी काला कर देते, ये वाला पार्ट भी काला कर देते, एंड ये वाला पार्ट भी काला। मेरे पास ब्लैक कलर की कमी नहीं है, ओके ब्लैक खत्म हो चुका है। अरे यार मेरे को गाड़ी इधर लगानी थी, रुक जाओ गाइस, एक बार गाड़ी इधर लगा लूँ। और हाँ मेरे को अभी फीडर बनाना, बट फीडर मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि गाय को लेकर आ जाओ, उसके बाद मैं फीडर्स बनाऊंगा, क्योंकि फिर मेरे को गायों को निकालना नहीं है। बट द थिंग इज दैट, क्या वो दूध देंगे, मेरा सबसे बड़ा सवाल बस यही है। कभी कभी ना ग्लिची ये काम दिमाग खराब कर देता है। चलो ये तो ब्लैक इधर रख देते, क्योंकि ऑरेंज ब्लैक का तो काम हो चुका है, एंड लेट्स गो, यहाँ पे चलते हैं। मेरे को चाहिए व्हाइट कलर, क्योंकि इस चीज़ को बनाने में बहुत टाइम लगने वाला, एक वाइट, बट ये भी सही हो चुका है, ये भी हो चुका है। एंड मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है ना, ये वाला जो है ना विंड मिल को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि एक साइड का मैंने अभी तक लगाया नहीं है। तो चलो ये तो हो चुका है, अब मेरे को चाहिए ब्लैक कलर, जो कि फ्लोरिंग पे करने वाला हूँ, एक फ्लोर दो, ओके दो फ्लोर, एंड ऊपर ऑरेंज हो चुका है, ये हो चुका है।
तो ये अंदर का तो सॉर्टेड है, बट एक जगह मेरे को थोड़ी सी कहानी फंस रही है। अभी तो फिलहाल मैं कलर्स को ऊपर ही रखता हूँ, क्योंकि इधर वाले भी मेरे को अभी करना पड़ेगा। एक जगह की कहानी फंस रही है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ की कहानी फंस रही है। ये एकदम टॉप पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे कहानी फंस रही है। अब वहाँ पे लगाओ तो लगाओ कैसे यार, रुक जाओ गाइस, थोड़ा तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक तो फ्लोर भी इतना ऊपर हो गया ना वो, और इसके ऊपर ये डब्बा आ गया ना, इसलिए चलो एक वाइट मेरे को यहाँ लगाना है बस। एंड बाहर के जितने वाइट्स है उसको लगा देता हूँ फटाफट से। इधर भी वाइट, ओके यहाँ पे वाइट। अच्छा यहाँ पे थोड़ी कलरिंग की कमी हो रही है, तो एक काम करते हैं, इधर वाइट वाइट एंड इधर भी वाइट एंड इधर भी वाइट। यार मेरे को टॉप का समझ नहीं आ रहा बस, बाकी सब तो सही है। दिख तो अच्छा रहा है गाइस, नो डाउट दिख बहुत अच्छा रहा है, नो डाउट एकदम परफेक्ट लग रहा है। या मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है ना, ट्रक को लाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ट्रक की रिक्वायरमेंट लग रही है मेरे को। ऊपर का कलर तो करना ही गाइस, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऊपर का कलर करके रहूँगा। ऑलराइट गाइस, ट्रक मिल चुका है, चलो इसको लेके चलते हैं। यार इसका थोड़ा कलर थोड़ा भद्दा सा लग रहा है यार, मेरे को इसको कलर थोड़ा सॉर्टेड कलर देना पड़ेगा, मतलब जो दिखने भी अच्छा रहे। एंड वहाँ पे पिक्स लोग की प्यार चल रही है, तो कुछ दिन में आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है, नो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मेरे को गाड़ी को और आगे लगानी पड़ेगी गाइस। इतना तो कर ही देगा ये ट्रक, नहीं पीछे मत जाना भाई, पीछे मत जाना, बहुत मुश्किल से लगाया है। ऑलराइट गाइस, चलो फाइनली अब देखते कलर लग जाए तो फिर पीछे में भी यही करना पड़ेगा। लग जाए मेरे भाई, अब हो गया ना गाइस फाइनली। चलो गाइस ये तो हो चुका है, तो मेरे को सेम सिस्टम अब पीछे भी करना पड़ेगा, तो उसको मैं करता हूँ फिर आप लोग से मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, इधर का भी काम हो चुका है फाइनली, पूरा का पूरा कंप्लीट। तो देख सकते हो भाई क्या प्यारा लग रहा है, बट यहाँ पे नीचे एक कलर की कमी है। ऐसे कैसे हो सकता भाई कि हमारे इधर कलर छूट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी हो गया, चलो सबका सब कलर हो चुका है गाइस फाइनली। हमारा जो डबल स्टोरी बोलेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसी जगह से जहाँ पे हम लोग डबल स्टोरी बोलते हैं ऐसी चीज़ों को, तो यस डबल स्टोरी वाला जो हमारा काउ वाला फार्मिंग है वो बन चुका है। ये है वो जगह जहाँ पे मेरे को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 काउ लेकर आना है। सात काउ लाना है एक बार में। चलो बाकी चीजें तो मैं काम कर रहा हूँ, बाहर रखना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब इनकी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो फटाफट से अब इनको है ना जमाना स्टार्ट करना है। ऑलराइट गाइस, जितने भी पेंट्स थे वो सारे के सारे तो मैंने गाड़ी में लगा दी, बट अभी लाइटिंग का काम बचा है, तो फटाफट से मैं सोचा रात होने से पहले लाइटिंग का काम कर लेते यहाँ पे। तो लाइटिंग का चलो हो चुका है, एक काम करते इधर भी जाता हूँ फटाफट से लाइटिंग लगा देता हूँ। इधर के लिए मैंने लाइटिंग अभी भी नहीं लगाई, लास्ट टाइम भी नहीं लगाई थी, ये लोग बेचारे बिना लाइट के रह रहे थे। तो यहाँ पे अपन एक बीच में लगा देते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही है और यहाँ पे है 3, तो एक इधर, इतने में काम हो जाएगा। मेरे को मेटल्स लाने हैं, बट मेरे पास मेटल्स रखे हुए ऑलरेडी, जो लास्ट टाइम मैंने तोड़े थे वो मेटल रखे हुए, तो जितने हैं उतने तो मैं रख दूँ। और मैंने बोला था ना अभी जो मेरे मेटल बाहर रखे हुए उसका भी अपन यूटिलाइजेशन कर लेंगे, तो चलो एक तो कम्प्लीट हो चुका है। तो शायद मेरे हिसाब से मैंने इधर भी मेटल देखे थे, इधर मेटल है कि नहीं, अभी तोड़ते वक्त तो मेटल थे यार यहाँ पे, पता नहीं मेटल, चलो मतलब मेटल यहाँ पे नहीं है, तो मेटल मेरे को लाना पड़ेगा। एनीवेज गाइस, रात हो चुकी है, तो काम करते सोते हैं, सुबह उठते हैं और उसके बाद अपन दूसरा काम करते हैं। काम करते यहाँ का एक लाइट चला देते हैं। ऑलराइट गाइस चलो, और याला गेट हमेशा बंद रहेगा, क्योंकि जब काउस आएंगे तभी हम ये गेट खोलेंगे, बाकी टाइम हम नहीं गेट खोलेंगे, ये गेट ऐसे ही बंद रहेगा हमेशा के लिए। ऑलराइट गाइस, फाइनली एक और खूबसूरत सुबह हो चुकी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं सुबह उठ के, खाना चेक करते, क्योंकि हमारे जानवर ही तो इंपॉर्टेंट है, यही हमें अर्निंग करके देते हैं, जब इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो इधर तो हमने फीडर फीड कर दिया है, एक काम करते उधर चलते हैं, उधर वाला जो फीडर है उसको भी फुल कर देते हैं, उसके बाद हम जो लाइट वाला काम लास्ट टाइम छोड़ चुके थे उसको आज कंप्लीट करते हैं, क्योंकि लाइट बहुत जरूरी है हमारे फार्म में। तो चलो फटाफट से काम करते जाते हैं और याला फीडर को फिल करते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो खाली बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत तेजी से खाली हो रहा है। तो एक काम करता हूँ, पिक्स वाला भी मैं फिल कर देता हूँ, बाई चांस इमरजेंसी में लगेगा तो ये ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो उसका लोड नहीं है। एंड सेकेंडली मेरे को एक बार चेक करना है कि क्या मेरे पाइनएप्पल सूख चुके हैं, तो एक बार वो भी जाके चेकआउट कर देते हैं, अगर हो चुका है तो फटाफट से इनको हार्वेस्ट कर देंगे। वेल अभी तो पाइनएप्पल नहीं आया तो टेंशन नहीं है, मेरा बग्गी कहा है तो बग्गी को लेके चलते हैं और थोड़े से प्लैंक्स ले आते, क्योंकि अब मेरे को है ना जो गेट से बनाने। ऑलराइट गाइस, जितना भी मेरे को प्लैंक चाहिए था मैंने सारे के सारे ले लिए, क्योंकि 12 गाय है तो 12 गेट से तो पर गेट में 7 लगता है, तो मैं टोटल 12 लेकर आया हूं, तो आराम से अपना जो काम है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक काम करते फटाफट से लगाना स्टार्ट करते, एक मिनट मैंने क्या क्या कर दिया, अच्छा ये एक एक करके उठाएगा क्या,
चलो ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया। भाई बहुत हिसाब से काम करना पड़ेगा गाइज यहाँ पे, तो भाई काऊ को लाके है ना बहुत हिसाब से इनको शिफ्ट करना पड़ेगा। ये चैलेंजिंग वाला पार्ट लग रहा है मेरे को, बहुत तगड़ा चैलेंजिंग वाला पार्ट लग रहा है, बट ठीक है चैलेंज लिया है तो हम कंप्लीट करके रहेंगे। और काऊ के लिए एक मिनट, ये सही लगा है ना? हाँ लगा तो सही है, काऊ कोई बाहर तो नहीं जाएंगे, बट मेरे को फीडर के लिए ना बाद में प्लैंक्स और इकट्ठा करना पड़ेंगे, बट फिलहाल मैं काउस को शिफ्ट तो कर दूँ। मेल काऊ नहीं लेकर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ फीमेल काऊ लेकर आएंगे, जिससे हमको फटाफट से दूध मिले एंड अपना काम फटाफट से तेजी से चलना स्टार्ट हो जाए। तो जो इसके लिए देखता हूँ, अगर मेरे पास मेटल रखा हुआ होगा तो फिर मैं एक काम करूंगा, इसको तोड़ के ना फिर शिफ्ट कर दूंगा, उसके बाद देखते क्या करना है। अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ फिलहाल के लिए जितने हो सकता है उतने काउ लाओ, ज्यादा नहीं लेकर आते। और हाँ मेरे को है ना यहाँ पे प्लैंक्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि फीडर बनाना है तो तब तो लगेगा, तो क्यों जबरदस्ती फिर वापस में वहां रखो फिर इधर लेकर आओ। एक काम करते हैं, इधर अपन जमा के रख देते हैं। मेरे हिसाब से ये लाइट और वो लाइट और नीचे की लाइट इज मोर देन इनफ, काम तो कर ही देगी। तो चलो एक काम करते हैं, ऐसे कूदते कूदते इसको लगा देते हैं स्टाइल, समझ रहे हो। चलो गाइस अब फटाफट से मेटल उठाते हैं, ये वाले मेटल हम यूज़ करने वाले लाइटिंग में। भाई कितने मेटल मैंने ये रखे यहाँ पे यार, कितने मेटल यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, जितने हमको मेटल चाहिए थे उतने तो हमने उठा लिए, इतने मेरे हिसाब से काम तो हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे इतना कुछ लॉजिक है नहीं, अब इतना कोई टेंशन है नहीं। और यहाँ पे एक मेटल रखा हुआ है, इसका तो मैंने यूज ही नहीं किया। चलो गाइस इधर लगा देते हैं एंड इधर भी फटाफट से लगा देते हैं। अगर मेटल बच गया क्या तो प्यारा लग रहा है, इसको भी लगा देते हैं। ओके मेटल एक ही बचा है, चलो चलो और मेटल लाओ, और मेटल लाओ और लगाते फटाफट से। अरे यार ये दो दो वाले है ना, मेरे को बड़ी चिड़ मरसते यार, क्यों दो दो वाले। ये फर्स्ट टाइम मैंने ये वाले बांध में, मतलब इस साइड वाले बांध में मैंने लाइटिंग लगाई है। तो चलो ये तो लाइटिंग का काम हो चुका है, मैं पहले सोचा था ऊपर लाइटिंग का, बट ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके अब यहाँ पे मेरे को चाहिए डोर पे ब्लैक 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 ब्लैक, फटाफट से इनको ब्लैक कर देते हैं। ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक। ओके मेरे पास जितना मेटल है ना, मैं क्या सोच रहा हूँ ना, मैंने ज़्यादा तो नहीं रख दिया, चलो एक कलर यहाँ पे रख ही देता, टेंशन नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, कितना मेटल मिला, बहुत अच्छा खासा मेटल मिल गया। बट मेरे को यहाँ पे क्यों लग रहा है वुड लगेगा, तो पहले मैं ऊपर वाला लगाऊंगा उसके बाद नीचे वाला लगाऊंगा, ये गलती नहीं करेंगे गाइस, ये गलती नहीं करेंगे। ऑलराइट गाइस मेरे को मिल गया ये, एंड इसको रुक जाओ, इसको खोलना पड़ेगा मेरे को। सर लग जाइए ना सर, बस लग गया गाइस, लग गया। ये लो एक प्लैंक लो, इधर लगाओ। चलो ठीक है हो गया, सॉर्टेड है, सॉर्टेड है, कोई टेंशन नहीं है। ब्लैक कलर ही लगाना है और एक वाइट कलर लगाना है, वो तो अपन बाद में कर देंगे, फिलहाल तो ब्लैक कर दे, तो वाइट मैं बाद में ले आऊँगा, अभी नहीं कर रहा, इसलिए पता है एक्स्ट्रा प्लैंक इसलिए रख दो यहाँ पे, कभी इमरजेंसी पड़ गई तो फिर क्या, तो फिर क्या। चलो गाइस ये फाइनली कंप्लीट, एक मिनट में क्या कर रहा हूँ, इसको भी रख देता हूँ, वहाँ पर जाके अपन रख देंगे। एंड ये मीट का क्या करेंगे, इसको रहन दो अभी। चलो गाइस एक काम करते हैं, फटाफट चलते हैं, ये चीज़ें जो मैंने लाई है इसको मैं अनलोड करता हूँ, और उसके बाद चलते हैं अपन काउस को लेने के लिए। उसके लिए मेरे को चाहिए वही ग्रीन वाला जो ट्रॉला है मेरे पास, वो लेके जाना पड़ेगा, जिसमें चार काउ, और मेरे को एक पिकअप लेके जाना पड़ेगा जिसमें दो काउ और आ जाएंगे, तो चार छः आराम से एक बार में हो जाएगा, तो ये सबसे सही रहेगा और जल्दी जल्दी मेरा काम भी हो जाएगा। ऑलराइट गाइस जितना मेरे पास सामान था मैंने सबका सब शिफ्ट कर दिया, अब गाड़ी को अपने पार्किंग में लगाते हैं। चलो गाइस और चलते हैं अपना पिकअप लेके, पिकअप मैंने रखा का है भाई, एक तो पिकअप की कहानी अलग है, मैं पिकअप कहाँ रख रहा हूँ, गाड़ियाँ कहाँ जा रही है। ऑलराइट गाइस मैं सोच रहा था काऊ को ले जाने के लिए, बट मेरे को क्या दिखता है, पाइनएप्पल्स जो कि उग चुके हैं, अब इनको लेट नहीं कर सकते नहीं तो सड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे पास शायद इस वाले डब्बे में से किसी एक में कम है, यार ये भी फुल है, ये भी फुल है, ये थोड़ा सा खाली है, तो चलो इनको फटाफट से हार्वेस्ट कर देते। देखो भाई काम तो ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं कि हर चीज़ स्टेबल रहे, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं करूँगा फार्म तो अगेन भाई बहुत सारे हो चुका, देन अगेन ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो भाई ये देखना पड़ेगा मेरे को। अभी तो मैं सोच रहा जितने पाइनएप्पल्स हो रहे हो जान दो, फिर जैसी ख़राब वाले जो पेड़ है ना उसको कुछ नहीं करेंगे, अगेन अपन चेंज कर देंगे विथ न्यू प्लांट। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ जितने ख़राब हो जाए टेंशन वाली बात नहीं है, इकट्ठे फिर नए प्लांट्स लगा देंगे। एंड ग्रेप्स वाले का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ग्रेप्स सडनली होते और बहुत जल्दी खराब भी हो जाते हैं, पता नहीं क्या लॉजिक है इनके। ऑलराइट गाइस हम लोग आ चुके अपने जनरल स्टोर, फटाफट से चलते हैं। एक मिनट ये हाथ में कुल्हाड़ी लेके क्या कर रहे हैं, ओ भाई ये ऐसा भी होता है क्या, मुझे नहीं पता भाई, ये पहली बार देखा मैंने कि इसके हाथ में वो कुल्हाड़ी इसके हाथ में भाई। ऑलराइट गाइस हमको सिर्फ चाहिए डेयरी काउ और कुछ नहीं, तो हम ले चलते हैं। देखो मेरे को 12 ले जाने हैं, तो 12 में से डिवाइड करेंगे, चार ये ले चलते हैं, एक दो तीन चार ये ले चलते हैं, एक दो तीन चार ये ले चलते हैं, और याले तो है यार मेरे पास, बस मैंने काऊ ही लिया ना, हाँ सारे काऊ है भाई, मेरे को लगा पता नहीं। अरे इधर आ जाओ,
रोड पे मत जाना तुम लोग। कोई नहीं इनको थोड़ा घूमने तो चलता है, वो तो अपन शॉर्ट बाद में दिक्कत करेंगे। ओके नाउ आई गॉट इट, मेरे इस गाड़ी के ऊपर मैंने एक चीज रखी है, ये मेरे को हटानी पड़ेगी, बताओ इन लोग को रखने के लिए। ये तुम लोग यहाँ क्या देख रहे हो? ओके यहाँ पे सॉर्टेड तो है, रुक जाओ। अरे यार ये पता है ना, इसको फिर हटाओ, इसकी जरूरत ही नहीं मेरे को। चल बेटा इसको भी ले चलते, इसको भी ऊपर लगा देते है, ये भी आ जाएगा। चलो एक और ले आते ना काव। अरे काव आता तो है, मैं वही तो बोलू, काव आता नहीं है क्या? काव आता आता है, टेंशन नहीं है। रुक जाओ गाइस इन सबको इकट्ठा कर लू, नहीं तो पता है ये खो जाएंगे, वो सब पीछे चले गए घूमते घूमते। ओके पीछे एक ही आ सकता है, ओके मैं समझ गया। चलो गाइस फटाफट चलते इनको रख कर आते। अब देखने वाली बात है कि क्या मैं उनको ऊपर ले जा सकता है, क्योंकि मैंने टेस्ट तो किया था वो इजीली ऊपर चला जाता है, बट पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा। ऐसे हवे में बात नहीं कर सकता मैं, चीजें मेरे को सब चेक करनी पड़ेगी। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, ऐसा रखता हूँ बस। चलो ये भी खोल लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहले इसको लेके आते। ओके ये उधर क्यों चला गया? आ जा बस धीरे धीरे। ऑलराइट गाइस लेट मी चेक क्या ये ऊपर आएगा। वैसे आ तो जाता है, मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, आज मैं ही गिर गया। बताओ साहब मैं ही गिर गया। अरे जान दे भाई, रुक जाओ ऊपर आने दे इसको। आ जाएंगे। भाई साहब ये तो मजा ही आ गया। चलो भाई तुम बंद हो जाओ। ऑलराइट गाइस एक आ चुका है अपने स्काउ, आ जा रहा, कहीं नहीं जा पाएगा, तेरे को धीरे धीरे चलना ही पड़ेगा। आ जा। चलो गाइस मतलब सेकंड फ्लोर का सक्सेस हो चुका है, सेकंड नहीं एक्चुअल में ये फर्स्ट फ्लोर हुआ, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, बट ये मेरा डबल स्टोरी है तो उस हिसाब से मैं बात करेंगे हम इसको। चलो आ जाओ धीरे धीरे आ जाओ। ये है तुम्हारा नया घर, कैसा लगा? ये फर्स्ट फ्लोर पे है आपका घर, आपके दोस्त लोग नीचे है, तो आप समझ गए। नहीं बाहर नहीं, पता एक गड़बड़ करूँगा ना दिक्कत हो जाएगी। चलो ये हो गया। ऐसा भी कुछ पॉसिबल हो सकता है सेकंड फ्लोर में, मेरे को यकीन नहीं था, बट इट इज़ वर्किंग यार, मतलब इट इज़ लिटरली वर्किंग यार। मतलब बस धीरे धीरे जाना है मेरे को, एंड सारे काव को सिर्फ शिफ्ट करना है, दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। इनका सिर्फ खान का व्यवस्था देखना पड़ेगा। भाई क्या सॉर्टेड है ये चीज यार, क्या सॉर्टेड है भाई। कम जगह में मैं कितने काव रख सकता हूँ गाइस, कितने ज्यादा काव रख सकता हूँ। इसको भी हटा, बस इसका फीडर मेरे को रखना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। गाइस डबल फ्लोर में काउस, भाई ऐसा लग रहा है मेरे को ये फोटो मेरे को रैंच की कम्युनिटी पे डालनी पड़ेगी भाई, अलग ही फील में लगेगा भाई, मजा ही आ जाएगा। ये कुछ अनोखा किया अपन ने, फर्स्ट टाइम किसी ने शायद ऐसा बनाया होगा, मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक तो किसी का नहीं देखा। फर्स्ट टाइम किसी ने डबल स्टोरी में काउ का बनाया है। उसके बाद ये अपन शिफ्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आर्क का क्या स्टेटस है। चलो तुम भी एंजॉय करो, तुम लोग के लिए फीडर में थोड़ी देर से लगाता हूँ, क्योंकि उसके लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। एक मिनट, पानी का मैंने नहीं लगाया है, तो पहले पानी का लगा दे भाई, मैंने ये चीज तो दिमाग से निकल के पानी वाला। ऑलराइट गाइस थोड़ा मेहनत करना पड़ा, बट ठीक है, हो गया, टेंशन खत्म। और इसका फीडर का टेंशन नहीं, ये लोग इधर से खाना खा लेंगे। हाँ खाना का तो टेंशन नहीं है। ओके पानी का थोड़ा टेंशन हो रहा है, तो ठीक है थोड़ी देर में मैं कर दूंगा, अभी इन लोग का पानी पूरा फुल होगा यार। क्या मजाक है, खाना दो इनको, खाना चाहिए इनको भाई, खाना दो। पानी वानी वाला तो मैं सॉर्टेड कर दूंगा थोड़ी देर में, मैं काउस को थोड़ा शिफ्ट कर दूँ, एक काउ बचा है बस इसको शिफ्ट कर देते। उसका थोड़े से मैं मेटल ले आता हूँ और फटाफट से इधर लगा देता हूँ। कितने मेटल लगेंगे, मेटल लगा के ख़त्म करें। एक काउ और आ गई है, अब मेरे को उधर शिफ्ट करना है, तो उसके लिए भी अपने पास प्रावधान है, तो उसका टेंशन नहीं है गाइस। फटाफट से इसको भी शिफ्ट कर देते। चलो आ जाओ सब लोग आ जाओ। तुम्हारा ये है नया घर, कोने वाला तुम्हारा घर है, बट यार इधर है ना मेरे को एक छज्जा देना चाहिए था, छज्जा मीन्स छत देना चाहिए था, बट ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई मेरे को जाने दो बस अंदर, बहुत बढ़िया। चलो गाइस इसको भी अपन ने अंदर कर दिया। ये क्या मेटल नहीं है ना और मेरे पास? कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली है। चलो गाइस ये तो पूरा हो चुका है, मेरे को कितने मेटल चाहिए बस फटाफट से मेटल ले आता हूँ। भाई पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे को चाहिए 150। अरे ठीक है दो मेटल के वो लेने पड़ेंगे, तो क्या करूँ। चलो गाइस इसको फटाफट से मैं कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेटल के 50-50 वाले मैं लेकर आ जाऊँगा तो काम बन जाएगा। ऑलराइट गाइस पानी का भी मैंने बना दिया है, भाई साहब काम खत्म इधर का। वैसे तो रात हो चुकी है, बट मैं क्या सोच रहा हूँ फटाफट से चलते हैं और एक काम करता हूँ, मैं सेव कर लूँ गेम को, अगर यहाँ पे एक पूरा काम तमाम हो जाएगा अगर लाइट चली गई तो। तो गाइस दो मिनट रुक जाओ, फटाफट से चलते हैं और जितने अपने काव रखे हुए उधर बाहर घूम रहे हैं उनको लेकर आते हैं भाई, नहीं तो उनको चील कौवे कुछ भी ले जा सकता है। यहाँ पे भाई फॉक्स भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे फॉक्स भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ अपटित घटना हो जाए। तो चलो गाइस फटाफट से चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। और हाँ मैं ये TPP बोलते कि FPP बोलते, यस उसमें चला रहा, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसा करता ना तो भाई बहुत ही बेकार सा व्यू आता है, तो जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। और मेरे को जाना पड़ेगा इधर से,
हाँ इधर से जाना पड़ेगा, मैं गिरते गिरते बच गया गाइस। चलो देखते कौन कहाँ कहाँ घूम रहा है। वैसे तो ये आजू बाजू घूमते, ज़्यादा दूर नहीं घूमते, देखो ये लोग आजू बाजू ही दिख जाएंगे आपको। चलो गाइस एक काम करते हैं, रात बहुत हो चुकी है, आजा भाई तू आजा, जल्दी आ जल्दी आ, एक ये बाहर घूम। वाह सब वाह, इधर मैं परेशान हो रहा हूँ, तुम लोग बाहर घूम रहे, इधर आओ। ऑलराइट गाइस जितने भी काउस थे उतने तो ले लिया, बचे दो, एक रेड और एक वाइट शायद इस साइड ही घूम रहा है। तो आ गया वाइट, अंदर नहीं है तो फिर कहाँ है, एक रेड दिख रहा है, अच्छा एक वाइट ऊपर घूम रहा है। चलो कोई नहीं गाइस, फटाफट चलते हैं, सुबह उठते और सीधे आते हैं और इनको शिफ्ट करते। मैं सोच रहा हूँ इसको लेके चलते गाइस, चलो 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 फटाफट से रेंच में चलते हैं। ऑलराइट गाइस फाइनली गुड मॉर्निंग हो चुकी है और हमने जितने काउस लाए थे उसको फटाफट से शिफ्ट करते हैं। और हाँ अब आर्क का अपडेट देता हूँ, मैं बहुत देर से वेट कर रहा था कि अब कब दू दे देता हूँ। ऑलराइट गाइस आर्क वाला जो है वो पूरा का पूरा काम हो चुका है, कल से एपिसोड आने वाला है। दो लोगों ने मेरी काफ़ी अच्छी हेल्प की, उसके बारे में मैं कल के वीडियो में बताने वाला हूँ, उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। और लिटरली भाई मैं उनके बारे में कल बात करने वाला हूँ। इसके अलावा बता दूं भाई आरके का कल से वीडियो आने वाले, उसके लिए मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, बैकहेंड में थोड़ा काम हो जाए उसका, तो उसके बाद कल से आ जाएंगे। बहुत मशक्कत लगी है बट फाइनली हो चुका है, मेरी मशक्कत नहीं लगी, एक भाई की मशक्कत लगी है जो कि एक्चुअल में काफ़ी रंग लाई, नहीं तो भाई पॉसिबल ही नहीं था कि आर्क। मैंने तो ये सोच लिया था कि भाई उसको मैं या तो डिलीट कर दूँ, हालांकि बहुत पैसा लग चुका है उसमें भी, पैसा मेहनत बहुत कुछ लग चुका था, बट ठीक है यार अब क्या कर सकते हैं। अगर वो नहीं आता तो फिर मैं उसको छोड़ देता, उस गेम को लिटरली छोड़ देता, उसकी जगह मैं दूसरा कोई गेम ट्राई करता। जैसे प्लान आउट में बहुत कुछ थे तो फिर मैं उस पर ट्राई करता, बट अभी उतना मेरे पास फंडिंग का थोड़ा इशू है, तो फिर मैंने सोचा नहीं यार अभी इतने जल्दी मैं हार नहीं मान सकता, मेरे को काम तो करना पड़ेगा उस पर, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा था कि चलो जीरो से फिर स्टार्ट करेंगे, बट फाइनली वो फिक्स हो चुका है, तो भाई मेरे को अब लोड नहीं है, कल से वीडियो आ जाएगा, आर्क जरूर आएगा। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो भाई कल आर्क का वीडियो कन्फर्म्ड है, जो आएगा ही आएगा। स्टे ट्यून करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि भाई आर्क का वीडियो आएगा तो सट्टासट व्यूज चाहिए, मुझे नहीं पता भाई कैसे लाओगे बट मेरे को जल्द से जल्द चाहिए। चलो गाइस फटाफट से अब मैं सारे काउस को शिफ्ट कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस जितने भी काउस थे सब के सब ले आओ, ये देख रहे हो ऊपर पूरा फुल हो चुका है, काउस से भरा हुआ है, बस इनका एक फीडर लगाना है मेरे को। और नीचे भी देख रहे हो पूरा काउ से खचा खच भरा हुआ है। अब मेरे दोनों फ्लोर रेडी हो चुके हैं, सो अब मेरे को थोड़ा सा ग्रीनरी पे थोड़ा फोकस करना है, दैट्स इट, क्योंकि ग्रीनरी अब बहुत तेजी से खाली होने वाली है भाई, क्योंकि दो को संभालना है। तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि यहाँ पे भी एक ग्रीनरी लगा सकते हैं जिससे एक पे लोड ना आए, दोनों पे लोड आए। सो गाइस आज की वीडियो में इतना रखते, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा आपको ये नया डबल फ्लोर वाला काऊ का नया पान? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।